नमस्कार दोस्तों, इंफोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली मेरठ रैपिड एक्ट से, जहां पर दोस्तों सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करते हुए एनसीईआरटीसी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि दिल्ली मेरठ रैपिड एक्ट के अंतर्गत बड़े स्केल पर सोलर एनर्जी का जनरेशन किया जाएगा और 25,000 सोलर पैनल्स इस पूरे कॉरिडोर में इंस्टॉल किए जाएंगे। दोस्तों दिल्ली मेरठ रैपिड एक्ट कॉरिडोर ओवरऑल 82 किलोमीटर लंबा होगा। पूरे कॉरिडोर पर हर एक स्टेशन पर और हर एक डिपो पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। डिपोज पर बड़े स्केल पर ये इंस्टॉलेशन का काम किया जाएगा। डिपोज को मिलाकर टोटल 25 स्टेशन इस पूरे कॉरिडोर में बनकर तैयार होंगे, जिसमें 16 स्टेशन ऐसे होंगे जिनमें हर एक के ऊपर 1100 से ज़्यादा सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे, जबकि 9 स्टेशन ऐसे होंगे जिनमें हर एक के ऊपर 400 से ज़्यादा सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। दोस्तों इस इनिशिएटिव की स्टार्टिंग भी कर दी गई है और दुहाई में एनसीईआरटीसी के द्वारा पहला सोलर प्लांट सेटअप भी कर दिया गया है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है पुणे मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों पुणे मेट्रो के अंतर्गत दो और कॉरिडोर बहुत ही जल्द आपको खुलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि महामेट्रो के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि पुणे मेट्रो के अंतर्गत दो और कॉरिडोर्स का काम फाइनल स्टेज में पहुंच गया है और जुलाई एंड तक इनको ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों पुणे मेट्रो के दोनों के दोनों लाइन्स, या फिर यूं कहें कि दोनों के दोनों स्टेजेस का कंस्ट्रक्शन महामेट्रो के द्वारा किया जा रहा है। कॉरिडोर 1 गरवारे कॉलेज से रूबी हिल क्लिनिक तक बनकर तैयार होगा, जबकि सेकंड स्टेज सिविल कोर्ट से फुगेवाड़ी के बीच में बनकर तैयार हो रही है। दोनों कॉरिडोर्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कॉरिडोर्स पर जो ट्रायल के काम है वो भी कंप्लीट हो गए हैं। हमारे कमिश्नर फॉर मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा अप्रूवल और फाइनल सर्टिफिकेशन भी इनको दे दिया गया है, लेकिन कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले सीएमआरएस के द्वारा इसके कुछ इंस्पेक्शंस किए जाते हैं। ऑलरेडी इस स्ट्रेच के 3 इंस्पेक्शन हो चुके हैं। अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर लास्ट इंस्पेक्शन किया जाएगा और उसके बाद जुलाई के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली आपको स्ट्रेचेस ऑपरेशनल होती हुई देखने को मिल जाएंगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर मेट्रो से, जहां पर दोस्तों बेंगलोर मेट्रो को और एक्सपांड करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा उनके बजट के दौरान बेंगलोर मेट्रो के लिए बड़े प्लान बनाए गए हैं और इसमें एक न्यू मेट्रो लाइन भी प्लान की गई है, जो कि हेबल से सरजापुर के बीच में बनकर तैयार होगी। दोस्तों इस लाइन की लेंथ अराउंड 37 किलोमीटर के आसपास होगी, जिसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर 15,000 करोड़ रुपीज के आसपास स्पेंड किए जाएंगे। इसके अलावा बजट में यह भी कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग लाइन्स हैं उनमें भी कई सारे स्टेजेस का एक्सपांशन किया जाएगा, जिसमें बयापन्ना हाली से कृष्णा राजापुर के बीच में, केंगरी से चलगट्टा के बीच में, नक्सेंद्रा से मदवारा के बीच में, आरवी रोड से वो मसिंद्रा के बीच में, ये कुछ ऐसे एक्सटेंशन है जो प्लान किए गए हैं। ओवरऑल कर्नाटका गवर्नमेंट का ये प्लान है कि अगले 3 सालों के अंदर अंदर बेंगलोर मेट्रो के कॉरिडोर को या फिर लेंथ को 170 किलोमीटर से ऊपर ले जाया जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों हमारे रेल पैसेंजर्स और जो दूसरे कुछ स्टेक होल्डर्स हैं उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग हमारे रेलवेज के द्वारा वंदे भारत में अपग्रेडेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है और न्यूली अपग्रेडेड वंदे भारत की पिक आप अपने सामने देख सकते हैं, जिसमें कलर को भी चेंज किया गया है। उसमें मैंने कई बार नोटिस किया है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कई बार नीचे कमेंट करते हैं कि क्यों हमारी रेलवेज वंदे भारत के जो कलर्स हैं उनको चेंज नहीं करती है, जैसे कि हमें फॉरेन कंट्रीज में देखने को मिलता है। और हमारे बहुत सारे जो रेल पैसेंजर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो रेलवेज की ट्रेन्स हैं उनके कलर अलग अलग हो, और मे बी अब ये मैटर हमारे रेलवे बोर्ड के पास में पहुँच गया है, जिसके चलते उन्होंने वंदे भारत को रेल पैसेंजर्स और स्टेक होल्डर्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि वंदे भारत को ऑरेंज, ग्रे और वाइट कलर का एक ब्लेंड दिया गया है, बेटर कुशन वाली सीट्स, एक्सटेंडेड फुटरेस्ट, सीट एंगल, इस तरह की जो कुछ इंटीरियर फैसिलिटीज़ हैं उनको भी अपग्रेड किया जाना है। ओवरऑल 25 से ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो एग्जिस्टिंग वंदे भारत के कंपैरिजन में इसमें बेहतर होंगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इनके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम चल रहा है और बहुत ही जल्द इसे भी रोल आउट किया जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है चाइनीज होम अप्लायंस मेकर हायर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश में उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपांड करते हुए इस कंपनी के द्वारा उनके नोएडा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के फेज 2 के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है और 400 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इस फेज 2 के ऊपर उनके द्वारा की जाएगी। दोस्तों हायर एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, क्योंकि हमारे देश के होम अप्लायंस मार्केट में इनके पास काफ़ी अच्छा खासा शेयर है। अभी इनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे देश के स्पेसिफिकली नदर एरिया में इन्होंने ग्रेटर नोएडा में उनका प्लांट सेटअप किया हुआ है, जो कि अराउंड 3,520 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला है, और अब इसी प्लांट में 44,890 स्क्वायर मीटर के लैंड को ओवर एड किया जाएगा, जो कि इनके फेज 2 का प्लान होगा। इंजेक्शन मोल्डिंग, शीट मेटल, इस तरह की कुछ न्यू फैसिलिटीज यहाँ पर सेटअप की जाएंगी, जिसके चलते इनकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बूस्ट होगी। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले फेज 1 में इन्होंने 1,600 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इस फैक्ट्री के ऊपर की है, जिसके चलते एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग इनके द्वारा की जा रही है।
अगली दोस्तों अपडेट एक और हमारी दिल्ली मेरठ रैपिडक्स से ही है, जहां पर रैपिडक्स के मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा एनसीईआरटी ने जो लैंड प्रपोज की थी उसको अप्रूव कर दिया गया है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसके डेवलपमेंट को लेकर या फिर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को लेकर जो बड़ी हर्डल थी वो क्लियर हो गई है। दोस्तों दिल्ली मेरठ रैपिडक्स के अंतर्गत कई सारे प्लेसेस पर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन किया जाना है, यानी कि दिल्ली मेरठ रैपिडक्स को कई सारे जो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं उनसे कनेक्ट किया जाएगा। सिमिलरली आनंद विहार और पटपरगंज, यहाँ पर भी मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को लेकर कुछ फैसिलिटीज बनकर तैयार होनी है। और इस पर्पस के लिए जितने भी लैंड चाहिए थे उसका प्रपोजल एनसीईआरटीसी ने दिल्ली गवर्नमेंट के पास में भेजा था। और अब कहा से जा रहा है कि इसी पर्पस के लिए 2,297 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए अप्रूव की गई है, जो कि ऑब्वियसली टेम्परेरी बेसिस पर होगी, जबकि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के लिए आनंद विहार में 8,129 स्क्वायर मीटर लैंड अप्रूव की गई है, जबकि पटपड़गंज में 340 स्क्वायर मीटर लैंड परमानेंट कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव की गई है। और क्योंकि अब सब हर्डल्स क्लियर हो गई हैं तो सीधे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है वेद वन पार्क से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे इसका पहला वैदिक थीम पर बेस्ड थीम पार्क जिसका नाम वेद वन पार्क रखा गया है इसको ओपन कर दिया गया है और नोएडा के सेक्टर 78 में बनकर तैयार हुआ है। तो इस वेद वन पार्क का कंस्ट्रक्शन 2021 में स्टार्ट कर दिया गया था। 50,000 से ज्यादा ट्रीज यहां पर प्लांट भी कर दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को लेकर वॉल मुरल्स और स्कल्पचर्स यहाँ पर बनाकर कंप्लीट किए गए हैं। वैदिक नॉलेज सेंटर भी यहाँ पर एक बनाकर कंप्लीट किया गया है, जहाँ पर वैदिक लिटरेचर के ऊपर जानकारी दी जाएगी। 7 अलग अलग वैदिक से रिलेटेड जो जोन्स हैं यहाँ पर वो भी सेटअप किए गए हैं। मेडिटेशन के लिए भी यहाँ पर एरिया सेटअप किया गया है। और दोस्तों इस पीरियड के ऊपर 27 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं और यूपी के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।